नमस्कार। तो आज जो है 5 सितंबर है और आप जानते होंगे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्मदिन था 5 सितंबर को। तो उस दिन जो है भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, राइट। वैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन का अगर आप पढ़ेंगे तो उनके ऊपर जो है प्लेजरिज्म के आरोप लगे थे, बड़ा बवाल हुआ था। खैर, अब वो जो भी है तो है, ठीक है। ये देखिए, ये अंबिका का मैसेज है, शुभकामनाएं शिक्षक दिन की। ईज विद विच यू टीच इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इट्स प्लेजर दैट वी हैव ज्वाइंड यू एंड लर्निंग फ्रॉम यू। सिद्धांत का मैसेज है, वेरी रेयर टू गेट दिस थॉट प्रोसेस, मैथमेटिकल एंड टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल लॉजिकल रीजंस फॉर पिकिंग स्टॉक्स, थीम इज एक्सेप्शनल, हैज बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स, कीप रीचिंग न्यू हाइज। एंड देन दीज मैसेजेस दैट यू सी, इंस्पायरिंग टू डू बेस्ट, बी डिसिप्लिन, बी प्रॉपर, राइट। सो ऑल दीज मैसेजेस दैट यू सी, दीज आर फॉर टीचर्स डे। दिस वन इज फ्रॉम प्रवीण। If more teachers were like you, this country would have been very different. Absolutely pleasure being your student. See, most of these people are actually in age older than me. They have seen more world. They have more experience, right? But then, this is life, right? The age does not necessarily defines who you are. Experience does not necessarily define who you are, because if you look at the average age, at some point in time everybody becomes experienced. Does that mean that everybody is actually good in what they have been doing? Not necessarily, right? So that is how you are supposed to look at it. थैंक यू। सो जो इसके पहले आप देख रहे थे वो DNA 2023, उसका स्टूडेंट्स का ग्रुप था, और ये जो आप देख रहे हैं ये प्रो का स्लैक है। इसमें देखिए, पहला जो आज सुबह का मैसेज है ये टेक महिंद्रा के ऊपर है, अब लेकिन आप जानते हैं FNO का स्टॉक है, लार्ज कैप है। मेरे अलावा किसी ने इसको पसंद नहीं किया क्योंकि ये नए सदस्य हैं। अब बाकी लोग थोड़े पुराने हैं तो उनको आइडिया है कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं देखना है। खैर, ये स्वराज का मैसेज है, हैप्पी टीचर्स डे बियन माई मार्केट गुरु, लॉट ऑफ लर्निंग एवरी डे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, माई लास्ट 7 डेज ट्रेडिंग अकाउंट स्नैप। So let's see, पिछले एक हफ्ते में भाई वाह 61.83 रियलाइज PNL, उसमें से अनरियलाइज, उसके अलावा अनरियलाइज PNL है 57.63, विच मीन्स 1,20,000, ग्रेट। फिर ये पैकेजिंग स्टॉक्स आर फायरिंग कॉस्मो फर्स्ट। अब देखो, इसमें थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ जाती है, इस एनी व्यू के बाद रिप्लाई शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जब मैंने उस दिन मीट रखी थी जिसमें करीब 4.5 घंटे मैंने एक्सप्लेन किया था, रात को 9:30 बजे से 2 बज गया था, तो उसमें मैंने दो स्टॉक की बात की थी। उसमें पहला स्टॉक था पैकेजिंग में से नाहर पॉली, क्योंकि नाहर ग्रुप, और कॉस्मो फर्स्ट, क्योंकि ये कॉस्मो फर्स्ट की बात हमने दीपावली 2020 में भी की थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको मैनेजमेंट और बाकी आइडिया है। दिस लुक्स वेरी नाइस बाय द वे, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे बी एंड नॉट ओनली स्टॉक मार्केट्स बट योर ग्रिप ऑन अदर सब्जेक्ट्स इज फिनोमिनल, एंड दैट यू डोंट लीव एनी थिंग हाफ हार्टेड, एनी स्टोन अनटर्न्ड इफ यू स्टार्ट समथिंग इज वॉट वन शुड लर्न फ्रॉम यू, थैंक्स अ लॉट। बेसिकली वॉट ही इज सेइंग इज, भाई कुछ कर रहे हो ना तो ढंग से करो, पूरे जो भी आपके शरीर में कण हैं, ऊर्जा है, प्राणवायु है, सारा कुछ उसमें झोंक दो। यू शुड बी पुटिंग नथिंग बट द बेस्ट, यू शुड नॉट बी ट्राइंग टू डू बैलेंस, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, नहीं। जैसे होता है ना, आजकल का रोना नया है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। तो भाई या तो लाइफ जी लो या तो वर्क कर लो, है ना, कुछ तो ढंग से हो जाएगा, वरना यू विल रिमेन मीडियोकर, है ना। तो अगर मीडियोकर के अलावा कुछ चाहिए, अब मीडियोकर इट मे साउंड लिटिल हार्श, बट अगर उसको मैं एवरेज बोल दूंगा तो यू विल नॉट बी ऑफेंडेड, बट मीडियोकर से यू माइट गेट ऑफेंडेड, बट ट्रूथ इज वट एवर आई कॉल इट यू नो द रियालिटी, राइट। एनी वे, ये ज्ञानेश्वर का मैसेज है,
Give a man a fish and he'll be hungry again tomorrow. Teach him to catch a fish and he'll be richer all his life. That's teacher. Happy Teacher's Day. अभी कुछ और मैसेजेस हैं बाय द वे, इसी बहाने आपको कुछ और मैसेजेस दिख जाएंगे। ये देखो ऊपर एक ट्रेड है लिबर्टी शो का, इसका चार्ट अभी भी बहुत अच्छा है, मैंने सुबह ही आज डाला था, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स ग्रेट है ना। ये PSB का जो ब्रेकआउट का मैसेज था 18 का, वो सुबह 6% अप था, बाद में और ज़्यादा अप था, तो वो भी आप देख सकते हैं कैसा चार्ट। बट मैंने पहले डाला था तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। With gratitude in my heart, I salute the dedication and hard work you put into educating us. Happy Teachers Day. Well, this looks nice, right? Happy Teachers Day. CAGRPEROCEPSROE. I would have loved if it had SBD, SVD, GL, SYD, right? By the way, that is what I said. वो सब कहाँ पे है, है ना? तो वो है. खैर, thank you so much. ये पब्लिक टेलीग्राम का है, ये जय चावला का मैसेज है, हैप्पी टीचर्स डे। बी ए मोस्ट रियलिस्टिक लॉजिकल नो नॉनसेंस स्टोरी सर, वी हैव टू डू अवर मार्केट्स। जय चावला ने जो है ज्वाइन किया था DNA 2022, फिर कुछ अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इसमें फिर से ज्वाइन किया है। अभी काम वाम में थोड़ा व्यस्त है, रिकॉर्डिंग देखेंगे। वैसे ये 2020 के बाद से 2020 में, ये लेट 2020 में ज्वाइन किया थे ये पब्लिक ग्रुप, और इसमें आप स्टरलाइट टेक अगर सर्च करें तो बहुत पुराना इनका मैसेज होगा, इन्होंने प्रश्न पूछा था BN से, वो है। उसके अलावा अगर आप देखें तो 2 साल से ऊपर करीब ये प्रो मेंबर हैं, और ये इन्होंने एक मैसेज भेजा है, देखते हैं क्या है इसमें। चल के नहीं रहा, my grandfather told me a very nice shloka from Mahabharata. He told Arjuna, the great, mighty warrior, always used to respect his teacher Dronacharya, and somebody asked him, oh Arjuna, you are such a famous man, you are a king, you have a lovely wife, you have so much wealth, why do you always worship your teacher who doesn't have even any money compared to you? He says that is not true. Na rajyam na dhanam na kanakam, that means it says no kingdom, not a, neither a beauty nor money. In life, nothing is permanent. What is permanent? He says, knowledge is permanent. Knowledge nobody can steal, nobody can burn, nobody can bury. Knowledge is something, the more you give, the more wealthy you become. So he says, the teacher is the one, he's the greatest philanthropist. He or she may not have much money, who gives away their knowledge to others. And that's the reason we should always respect teachers. And teachers are the most important people in your life. Please remember that. ग्रेट मैसेज। वैसे इसमें न राज्यम न धनम न कनकम, तो राज्यम आप जानते हैं राज्य साम्राज्य स्टेट, धन आप जानते हैं वेल्थ, कनकम जो है एक्चुअली सोना, स्वर्ण को बोलते हैं कनकम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बाद में ले लेंगे श्रेयस का। ये रौनक का मैसेज है, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी हैं। रौनक बहुत सीरियस और रेगुलर एफर्ट डालने वाले जो है शिष्य है, है ना। और अब देखो ऐसा नहीं है, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई पेड होना चाहिए, ये होना चाहिए, सी लुक एट हिम, महीनों से करीब अभी तो साल होने वाला होगा, ही हैज बीन पुटिंग रेगुलर एफर्ट्स ट्विटर में, टेलीग्राम में, पब्लिक में, और आराम से चल रहा है, सीख चल रही है, कमाई चल रही है, चल रहा है। गिरेंद्र है इनका, देखिए मैसेज है, BN सर यू आर माई रियल गुरु इन स्टॉक मार्केट। शिक्षक बहुत मिले पर गुरु कोई नहीं मिला आप जैसा, परमात्मा आपको सदैव स्वस्थ रखे। तो क्या ऐसे मैसेज आप पढ़ते हैं ना, अगर आप उसके बाद भी जो आप कर रहे हैं वो करने की इच्छा ना करें तो फिर शायद कोई मतलब नहीं है, समझ रहे आप। ऐसे मैसेज भी अगर आपको और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित ना करें तो फिर अब और कुछ नहीं हो सकता, फिर ये हिना का मैसेज है, डिलीजेंट वैल्यूड रिजोल्यूट टफ हीरोज रेजिलियंट लव्ड फियर्स अमेजिंग स्ट्रांग फियरलेस राइट। खैर ये लवेबल लॉन्जरी रेडी फॉर नेक्स्ट लेग, पहले 113 से 150 तक गया था, आज 147 पे था सुबह, यहाँ से एक रैली देखने को आपको मिल सकती है, तो आपको ये देखना समझना चाहिए। फिर ये शायद मेरा मैसेज है
कि भाई वाई टीच वाई लर्न, क्यों पढ़ाना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सिखाना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए। देखिए, दूसरों को सिखाइए, जो भी आपने पढ़ा है इससे दूसरों का लाभ है, और जब आप सिखा रहे होते हैं उससे आप सीखते हैं, उसमें आपका लाभ है, ठीक है। पर मैंने ये अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है, और ये कोई आज की बात नहीं है कि अभी तो स्टॉक मार्केट का है, ये बहुत पहले से स्कूल से मैंने ये नोटिस किया है कि आप किसी को कोई बात बताते हैं, समझाते हैं, एक वार्तालाप होता है, तो उससे जो आपके दिमाग में क्लैरिटी, देखिए आप अपने मन में बहुत चीज़ें हो सकता है समझते हो, लेकिन चूंकि आप वो समझते हो उस लेवल पे हैं, तो आपको शायद उतने क्लैरिटी और बिल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और से बात करें और वो आपके लेवल पर नहीं है, वो आपके लेवल से बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है, तो फिर आपको वो गियर शिफ्ट करने में आपको क्लैरिटी डेवलप करना पड़ता है। दैट इज़ एन एबिलिटी दैट यू मस्ट हैव इफ़ यू वॉन्ट टू मास्टर द कम्युनिकेशन। और कहानी सुनाने वाले के अलावा अगर आप वैसे देखें तो इस ज़माने में सबसे बड़ी वैल्यू जो है स्टोरी टेलर्स की है, राइट। ये मैंने इसमें लिखा था, ऐसा क्या होता है, क्या ऐसा कुछ होता है क्या, तो ये अंजू भाटिया का मैसेज है, ऐसा ही होता है, राइट। फिर ये डिश टीवी लगा दिया, ये कुछ मैसेज है, और ये कोई तो करड़ होगा कि भारतीय निवेशक इंडियन इन्वेस्टर नहीं था आराम से, हाँ। तो अब शायद दो हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई भारत को भारत ही कहा जाएगा किसी भी भाषा में, ये अच्छी बात है, भारत को भारत कहना चाहिए। अब इंडिया में कोई लोग बोलेंगे कि वो सिंधु हिंदू हिंदू और फिर ऐसे बन गया, बट कोई बात नहीं, चलो वो विदेशी लोगों के नाम दिए हुए, तो ब्रिटिश ने नहीं दिया, हो सकता ग्रीक्स ने दिया हो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। जब आपका कोई एक अपना नाम है तो आप उस नाम से चलिए, उसमें क्या दिक्कत है। भारतवर्ष, आर्यावर्त, आप जो भी कहना चाहें कहिए, लेकिन उसमें ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन भारत उससे बेहतर नाम है, उसके साथ चलने में क्या समस्या। अब एक महानुभाव है, उनका नाम है पवन यादव, तो वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं हिंदी में भारत होना चाहिए लेकिन इंग्लिश में इंडिया ही होना चाहिए जैसे था, और फिर कहानी लिखी थी। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम पवन यादव है तो इंग्लिश में तुम्हारा नाम एयर यादव करते हैं ना, क्योंकि एयर मतलब होता है पवन, विंड, वायु, राइट। तो मतलब ऐसा इलॉजिकल बात तो नहीं करना चाहिए ना। नाम किसी भी भाषा में हो, वो प्रॉपर नाउन है, राइट, तो वो वैसा ही होना चाहिए, उसको आप ऐसे बदल नहीं सकते हैं, बदलना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात है। आज जिस दिन मोदी सरकार भारत का नाम संविधान में भारत कर देगी, उस दिन आत्मा को शांति मिलेगी, जय भारत। शांति जल्दी मिल जाएगी, उसमें कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ये वीडियो देखिए, ये तीन टुकड़ों में बनाया गया है ना, DNA प्रो और फिर ये पब्लिक टेलीग्राम। आशा है कि आपने जो ये समय दिया अपना, अपनी ऊर्जा दी है, भारतीय निवेशक से जुड़े रहे हैं आप किसी न किसी रूप में, पिछले तीन साल में, तीन साल से ऊपर एक जर्नी हो गई हमारी, 14 जुलाई 2020 को हमने आरंभ किया था ये परिवार, और तब से अभी 3 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। किसी रूप में आप जुड़े ना, पब्लिक कैसे भी करके, आप स्टूडेंट रहे, प्रो मेंबर रहे या हैं अभी भी, आशा है कि आपने उसमें से कुछ देखा होगा, सीखा होगा, समझा होगा, जिसने आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बेहतर बनाया होगा। वो मार्केट हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका लाइफ हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, किसी भी तरह से अगर कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो उसके लिए जो है हम प्रयासरत हैं। तो ऐसे ही अगर चलता रहे तो बड़ी एक अच्छी बात है, सभी के लिए मंगल कामना, धन्यवाद।